हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कनिका किचन ब्लॉग्स में आप सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। जो भी दोस्त हमारे हैं, सभी हम यूट्यूब फैमिली को ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी की मनोकामना पूरी हो और सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। तो उम्मीद है आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये शुक्रवार के शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। बाकी शाम के हमारे सारे काम जो हैं वो हो चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं सभी लोग। और इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो इधर हमने बेसन ले लिया है, बेसन को छान लिया है और छानने के बाद मतलब एक बाउल में ले लिया है, क्योंकि बाउल में बेसन का पेस्ट जो है अच्छे से मिक्स करते हुए बनता है, इसलिए बाउल में ले लिया है। थोड़ा सा बेसन जो कढ़ी बनाने के लिए मैंने निकाल लिया है। पहले सबसे पहले मैं पकौड़े बनाऊंगी, कढ़ी के पकौड़ा छोटी छोटी हमारे यहाँ पकौड़ी बोली जाती हैं, तो वही कढ़ी के पकौड़ी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दोस्तों नमक। इसके बाद हल्दी डाल दी है दोस्तों, थोड़ी सी हींग, इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सारे बेसिक मसाले जो हैं वो हमने डाल दें हैं। और इसके बाद थोड़ी सी जो थाली में आलू जो हमने काट के रखे हैं वो आलू डालूंगी, और प्याज है उसकी पकौड़ी, और आलू प्याज की पकौड़ी अलग से बनाऊंगी। तो इस सबसे पहले बेसन को फेंट लेंगे अच्छे से। और एक चीज़ है, कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए बेसन में अगर नमक पहले से मिला लें तो उसे अच्छे से फेंट लें तो बहुत अच्छे पकौड़े जो हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं, एकदम बिल्कुल भी बहुत अच्छे से मुलायम बनते हैं एकदम। जिसे बहुत से पकौड़े हैं वो हार्ड बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट पकौड़े एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने अच्छे बनते हैं। तो पहले तो मैं चम्मच से डाल रही हूँ, चम्मच से जो पकौड़े बनाऊँ वो गोल तो नहीं बनेंगे लेकिन अच्छे बहुत बनते हैं, और गोल भी बन जाते हैं थोड़ा पेस्ट है वो ठीक होना चाहिए। अब पकौड़ों के लिए पेस्ट को जितना फेंटेंगे मतलब उतना ही अच्छे पकौड़े हमारे बनेंगे। तो जो लोग हाथ से पकौड़े बनाते हैं वो एक बार चम्मच से बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं। पकौड़े अच्छे से हमारे तल चुके हैं, बहुत अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हुए हैं, और मैंने इनको निकाल लिया। एक बार मैं फिर से सेम वही प्रोसेस से मैं फिर से पकौड़े बनाऊंगी। बनाना शुरू कर दिया है और बहुत चम्मच से हमें अच्छा नहीं लगा बनाते हुए, तो मैंने हाथ से एक बार मैंने सोचा हाथ से भी बना के देखती हूँ। तो हाथ से एकदम गोल गोल बन रहे थे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, इसी तरह से हमने पकौड़े जो थे वो तल लिए थे। और इधर हमने जो खाने के लिए चाय के साथ थोड़ी सी पकौड़े बना लिए हैं, आलू वाले चिप्स के जो बनते हैं वो बनाए हैं, और ये इनको बहुत पसंद है हमारी बेटी को।
तो इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो सबसे पहले मैंने लहसुन और प्याज और अदरक का पेस्ट लिया है। वैसे डालते नहीं हैं, लेकिन आज मैंने पहली बार ये सारी चीज़ें डाल के बनाऊँगी, क्योंकि पेस्ट डाल के मैंने पहली बार ही बनाया। वैसे सिंपल कढ़ी बनती है बिना पेस्ट की हमारे यहाँ, तो आज मैंने सोचा कि पेस्ट डाल के बना के देखते हैं। उसके बाद हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, और धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो वही बेसिंग मसाले हमने डाल दिए। अभी नमक नहीं डाला है और ना ही बेसन में, हमारे ये जो कढ़ी का बेसन हमने घोल बनाया उसमें भी नमक नहीं था बिल्कुल भी। मतलब जो घोल बनाऊंगी उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, बाद में ही नमक डालूंगी। कढ़ी में हमेशा बाद में ही नमक पड़ता है, तो कढ़ी जो है वो फटती नहीं है। अगर पहले नमक डाल देंगे तो फट जाएगी। तो इसके बाद मैंने बेसन का घोल बना लिया है, और इसको लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाएगा तब तक इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें गुलतियाँ पड़ जाएंगी बेसन की। तो जल्दी जल्दी से मैंने थोड़ा सा बेसन में मट्ठा डाल लिया था, थोड़ा सा ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से एक बार उबाल आ जाए, उसके बाद स्लो आंच पे इसे अच्छे से पकाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, इसे 5 मिनट और अच्छे से चलाएंगे। तो दोस्तों बस उबाल आने ही वाला है। तो दोस्तों कढ़ी हमारी है, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, और ये कढ़ी जो है बन चुकी है। लेकिन इसका कढ़ी तो मैं पहले भी आप लोगों को मतलब वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो कढ़ी तड़का है वो मैंने अभी नहीं शेयर किया है। तो आज आपको हम कढ़ी तड़का लगा के दिखाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी तड़का। और ये जब अच्छे से फटक जाएगी, उबाल आ जाएगा इसमें, तो इसमें नमक डाल देंगे। तो उबाल आ गया था, उसके बाद उसमें जो मैंने पकौड़े बनाए थे वो डाल दूंगी। और इतनी टेस्टी कढ़ी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और इसमें जब तड़का लगाएंगी, वो तड़का वाली कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। तो उबाल आने के बाद जो अब हम डालेंगे दोस्तों नमक, नमक सबसे लास्ट में डाला है। और नमक डालने के बाद 10 मिनट तक इसे स्लो आंच पर या मीडियम आंच पर गिर जाओगी। तो दोस्तों 5 मिनट के बाद अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे, और स्लो आंच पर इसे 5 मिनट या 10 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों अच्छे से पक जाती है, तो इसमें अच्छे सी महक आने लगती है, खुशबू सी। तो समझ लो हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। और इधर हमारी कढ़ी जो तैयार होने के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो कढ़ी को हमने किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था, उसके बाद कढ़ाई धुल के, और इसमें डाल दिया सरसों का तेल, जीरा, हींग। अगर आपके पास सूखी मिर्च हो तो सूखी लाल मिर्च डाल दें, और हमारे पास ये रेड चिली फ्लेक्स था, उसे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। सूखी लाल मिर्च जो थी वो अभी नहीं थी, तब हम ऐसे ही बना रहे हैं। बस प्याज डाल देंगे, लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसीलिए लहसुन का तड़का नहीं लगाऊंगी, और लहसुन का तड़का अच्छा भी नहीं लगता है, पेस्ट डाल सकते हैं पहले से ही। तो प्याज को अच्छा भून लूँगी, अगर हरी मिर्च हो तो भी डाल सकते हैं, और आपको जो भी पसंद है टमाटर वगैरह वो डाल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्याज वाली ही फ्राई पसंद है कढ़ी में। वैसे तो टमाटर अच्छे लगते हैं। तो सर इधर हमारा प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है, भुन चुका है। इसके बाद मैंने डाल दिया कढ़ी को, बस गैस को बंद कर देंगे, ज़्यादा देर तक पकाएंगे नहीं। तैयार हो चुकी है कढ़ी तड़के वाली हमारी, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनी है। तो आप लोगों को चलो बैक कैमरे से दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों कितनी अच्छी सी कढ़ी तैयार है। अगर आप लोगों को हमारी कढ़ी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।